जिस चलचित्र ब्रह्म ऋषि संत प्रवर दादू दयाल जी महाराज के अमर लीलाओं को दर्शाने का प्रयास करता है, जो भी भक्तगण इनकी लीलाओं को अपने जीवन में उतारेगा वो अपने जीवन को धन्य कर लेगा, क्योंकि मुस्लिम संत रज्जब अपनी वाणी में फरमाते हैं कि योनि से आया नहीं मरना किस विध होए, रज्जब ऐसे सतगुरु कोटि मध्य कोय, क्योंकि सह शरीर अवतरित हुए थे और सह शरीर ही अदृश्य हो गए। इसलिए जो भी इनकी रचनाओं को इनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारेगा वो जीवन में सफल हो जाएगा। सत्यरा दादू राम 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 सत्य राम सत्य 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 राम दादू राम दादू सत्य राम दादू राम दादू राम सत्य राम सत्य राम दादू राम दादू राम सत्य राम सत्य राम दादू राम दादू राम मेरे मन में भी कुछ ऐसा ही विचार आ रहा था, और फिर पंडित गोविंद राम जी जैसा विद्वान ज्ञानी शील स्वभाव का व्यक्तित्व तो अपने क्षेत्र में और कहीं तो है। बोलो श्री राम। श्री राम। ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा संत है। तुम साधारण बालक नहीं हो, बस अपने जीवन में कई असाधारण कार्य करने हैं। बेटा मैंने ये सुना कि तुमने बैलों की जोड़ी को किसी किसान को दान में दे दिया। पिताजी, उस गरीब किसान को हमसे ज्यादा बैलों की आवश्यकता थी, और फिर हमारे पास दूसरे बैल है ना। मुझे आप लोगों के साथ जितना समय बिताना था मैं बिता चुका हूँ, मुझे आगे और भी कई कार्य करने हैं। मैं इसे नहीं जाने दूंगी, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। इसे मत रोको दादू की माँ, जाने दो इसे। सत्य राम का नाम जगत में, सत्य राम का नाम, सत्य राम का नाम जगत में, सत्य राम का नाम, जो कण कण में व्याप रहा है, जो कण कण में व्याप रहा है, वो दादू का राम। स
सत्य राम का नाम जगत में, सत्य राम का नाम, सत्य राम का नाम जगत में, सत्य राम का नाम। दादू बोले राम सरीखा और नहीं जग माही, चलते चलते आन मिलेंगे राम स्वयं जग माही। तीन काल में जो सत्य है, तीन काल में सत्य है, वो दादू का राम, सत्य राम का नाम जगत में, सत्य राम का नाम, सत्य राम का नाम जगत में, सत्य राम का। निर्गुण भक्ति के प्रचार हेतु दादूजी महाराज गृह त्याग कर पूर्व दिशा की ओर चल दिए और रास्ते में जनमानस को उपदेश देते हुए वो मालवा देश के पेटलाद नगर पहुंचे और कुछ दिनों के लिए वो वहीं पर ठहर गए। वहीं पर एक दिन ज्ञानदास और मानकदास नामक दो युवक दादूजी के दर्शन करने चले आए। अल्लाह, राम, समर्थ और साईं, ये सब परम पिता परमेश्वर के ही नाम है। प्रणाम गुरु। सत्य राम। कहो, कैसे आना हुआ? हम आपसे ज्ञान प्राप्त करने आए हैं गुरुवर। केवल ज्ञान प्राप्त करने ही आए हो? नहीं महाराज, हम तो आपसे दीक्षा प्राप्त करके आपके शिष्य बनना चाहते हैं। भला मेरा शिष्य बनने से क्या लाभ? हम अपने लाभ की खातिर यहाँ नहीं आए हैं प्रभु, हम तो परमात्मा की इच्छा से यहाँ आए। परमार्थ की राह आसान नहीं है। अगर राह दिखाने वाला आप जैसा गुरु मिल जाए तो हर राह आसान हो जाती है गुरुदेव। किंतु तुम्हारे माता पिता और घर बार सब कुछ त्याग कर ही आपके शरण में आए हैं गुरुदेव। तब ठीक, मैं तुम्हें दीक्षा अवश्य दूँ। और पेटलाद से चलकर रास्ते में कई लोगों के दुख दर्द सुनते हुए दादूजी महाराज आबू पर्वत पर पहुंचे। इस बीच रास्ते में कई लोग उनके इस काफिले में शामिल हो गए और आबू पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने एक उचित सा स्थान देखा और वहीं सत्संग आरंभ कर दिया। इस आत्मा की शुद्धि किस प्रकार से होगी भगवान? साधना करने से, राम का नाम लेने से। दादू पीव का नाम ले तो ही मिले शिरसार, घड़ी मुहूर्त चालना कैसी आवे काल। गुरुवर, ज्ञानदास, मैं तुम्हारे मन की बात भाप गया। वो देखो ऊपर आकाश में। महाराज, मुझे तो वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये दिव्य आत्मा कौन है महाराज? ये मेरे मानविक शरीर के माता पिता हैं। अपने पुत्र का गृह त्याग सहन नहीं कर सके, अतः अपना शरीर ही त्याग दिया। अपने पुत्र के प्रति मोह माया के कारण इन्हें यह दुख सहन करना पड़ा। किंतु
आजीवन राम सुमरण के कारण इनकी आत्मा का मिलाप सीधे मालिक से होगा। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। ईश्वर जंगलों, पहाड़ों और बड़े बड़े मंदिरों में प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार कई दिनों तक दादूजी महाराज अपने सानिध्य में आने वाले जनमानस को प्रभु प्राप्ति का उपदेश देते रहे। और एक दिन सुबह सुबह प्रणाम गुरुवर, आ गए आप लोग। आदेश गुरुवर, अब तुम दोनों पूरे संत हो चुके हो। तुम दोनों में ईश्वर के प्रेम की लौ जल चुकी है। ईश्वर के प्रति तुम्हारा निस्वार्थ और निश्चल प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये सब आप ही कृपा है महाराज, इसमें मेरी कोई कृपा नहीं। कृपा तो उस मालिक की है जिसे तुम पाना चाहते हो। अब उसी मालिक की इच्छा है कि तुम लोग सागर के मध्य केदार टापू जाओ। हम वहाँ जाकर क्या करेंगे महाराज? जो ज्ञान मैंने तुम दोनों को दिया है वहाँ जाकर उसका प्रकाश वहाँ के जनमानस में फैलाओ और वहाँ के लोगों की आत्मा का अंधेरा दूर करो। वहाँ के लोग धर्म के नाम पर निरीह प्राणियों की हत्या कर रहे हैं। देवी को ईष्ट मानकर जानवरों की बलि चढ़ा रहे हैं। तुम वहाँ जाओ और वहाँ के राजा धैर्या जयमल और पद्म सिंह को अहिंसा का उपदेश दो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे उपदेश से राजा का चित बदल जाएगा और वो राम सुमिरन में लग जाएगा। और राजा पद्म सिंह? उसमें थोड़ा संदेह है। अगर तुम्हारे उपदेश से भी उसका चित ना बदला तो तुम मुझे याद कर लेना, मैं उसका पथ प्रदर्शन करूँगा। अब तुम लोग इसी समय यहाँ से कूच कर जाओ। और आप गुरुवर? मेरे लिए भी मालिक का आदेश आ चुका है, मैं राजस्थान की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर। सत्य आबू पर्वत से चलकर श्री दादूजी महाराज सिरोही, पाली, पीपाड़, अजमेर, पुष्कर और मेड़वा आदि नगरों में भ्रमण करते हुए कुचामन रोड से दक्षिण की ओर लगभग 12 मील और पर्वतसर से 4 मील उत्तर की ओर पहाड़ी पर पधारे। उस पहाड़ी के नीचे ही ग्राम करडाला बसता था। यहाँ की जनता दादूजी को एक पहुंचा हुआ संतोषी संत मानकर उनकी सेवा करती और उनके प्रवचन सुनती। वैराग्य के पथ पर जाने से पहले अपने मन को शुद्ध करें। जब तक मन में विकार रहेगा, मोह माया इस मन में रहेगी, ये मन हमको यूं ही सताता रहेगा। इस मलिनता को निकालने पर ही हमारा मन शुद्ध होगा। एक बार जीव ने अपने मन पर काबू पा लिया, अपने मन को शुद्ध कर लिया, तो वो सही अर्थ में वैरागी कहलाने योग्य हो जाएगा। अब आप सब लोग घर जाइए और जो कुछ भी मैंने आज आपको बताया है उसका मनन कीजिए। सायंकाल भजन में आ जाइएगा। सत्यराम। क्या बात है वत्स, कुछ कहना चाहते हो? जी महाराज, हम ये जानना चाहते हैं आज रात का विश्राम आप कहाँ करेंगे? ये स्थान मुझको भा गया है, अब दिन क्या और रात क्या, मैं यहीं पर रहना पसंद करूँगा। दिन की बात तो ठीक है प्रभु, परंतु रात में यह स्थान ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ ये एक प्रेत का स्थान है और वो रात को मुझे परेशान करेगा। जी महाराज। तुम उसकी फिक्र ना करो, वो प्रेत मुझे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता।
तुम लोग बेफिक्र होकर जाओ, संध्या वंदन में आ जाना। सत्यराम। जयपुर से रूपनगढ़ होते हुए पनेर के पास करडाला गांव स्थित है। यहीं पहाड़ी की तलहटी और पहाड़ी पर दादूजी का वो स्थान मौजूद है जहां दादूजी ने तप किया था। उस समय इस पहाड़ी पर एक प्रेत ने अपना ठिकाना बना रखा था, जो अपनी कुचेष्टाओं से साधु संतों की तपस्या में विघ्न पैदा करता था। श्री दादूजी महाराज ने अपनी योग शक्ति से उस प्रेत की असलियत को पहचाना और अपने कमंडल से उस प्रेत पर जल छिड़क कर उसे प्रेत योनि से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। इस स्थान पर दादूजी महाराज का एक सुंदर धाम बना हुआ है। इस धाम में प्रतिवर्ष फाल्गुन की अमावस्या को एक विशाल संत सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। करडाला की इस पहाड़ी पर दादूजी महाराज ने कठिन तपस्या की थी। दादूजी की कठोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र ने अप्सरा रूपी माया को दादूजी का तप भंग करने के इरादे से करडाला की पहाड़ी पर भेजा। अप्सरा ने दादूजी की तपस्या को भंग करने के लिए अनेक प्रयास किए, पर वो असफल रही और हार मानकर इंद्र के पास वापस चली गई। करीब 6 वर्षों तक दादूजी बगैर कुछ खाए पिए तपस्या में लीन रहे। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर अंत में ईश्वर ने उन्हें दर्शन दिए। वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से बेहद प्रसन्न हूँ। अब तुम अपना व्रत छोड़ो और दुग्धपान करो। तुम्हें आगे बहुत कार्य करने हैं। अंधकार में भटके हुए जनमानस को राह दिखानी है, अतः तप करना छोड़ो और अपना कार्य करने के लिए आगे बढ़ो। आपकी आज्ञा शिरोदय है प्रभु। परमपिता परमात्मा के आदेशानुसार दादूजी ने करडाला पहाड़ी से प्रस्थान किया और अपने अनुयायियों के साथ भ्रमण करते हुए मोरड़ा ग्राम जा पहुंचे। सत्य राम दादू राम दादू राम, सत्य राम सत्य राम दादू राम दादू राम, सत्य राम दादू राम दादू राम, सत्य राम सत्य राम दादू राम दादू राम। मोरडा ग्राम में जब दादूजी व इनके शिष्यों को आश्रय नहीं मिला तो वो गांव के बाहर चले आए। दादू राम सत्य राम सत्य राम, दादू राम सत्य राम सत्य राम, दादू राम दादू राम। हम लोग कुछ समय के लिए यहीं पे विश्राम करेंगे। किंतु महाराज, यह वृक्ष तो सूखा हुआ है। यह ना तो हमारी धूप से रक्षा कर सकता है और ना ही हवा और पानी से। तुम निश्चिंत रहो वत्स, ये वृक्ष हमारी हर विपदा में रक्षा करेगा। आप कहते हैं तो अवश्य ही करेगा महाराज। हे प्रभु, हमारे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। हम अभागों पर थोड़ी सी कृपा करके कुछ समय के लिए यहाँ ठहर जाइए, ताकि हम भी आपके सत्संग से हमारे जीवन का उद्धार कर सके। मुनिवर, हमारे यहाँ मुस्लिम शासकों ने हमारे पूजा पाठों पर बड़ी पाबंदियां लगा रखी है। शंखनाद तक की अनुमति नहीं है महाराज हम लोगों को। फिर मुनिवर, फिर आप अपनी साधना कैसे कर पाएंगे? तुम इस बात की फिक्र मत करो, इस बात की फिक्र करने वाला तो ईश्वर बैठा है। अगर किसी ने भी नगर शासक के इस हुक्म को नहीं माना और दादू के दीदार के लिए गया, उस शख्स को बतौर जुर्माना 500 मुद्रा अदा करनी होगी।
केही विधि आरती राम की कीजे, आत्मांतर वार न लीजे। केही विधि आरती राम की कीजे, आत्मांतर वार न लीजे। तन मन चंदन प्रेम की माला, अनहद घंटा दीन दयाला। तन मन चंदन प्रेम की माला, अनहद घंटा दीन दयाला। ज्ञान का दीपक पवन की बाती, देव निरंजन पांचों पाती। ज्ञान का दीपक पवन की बाती, देव निरंजन पांचों पाती। आनंद मंगल भाव की सेवा, मनसा मंदिर आत्म देवा। आनंद मंगल भाव की सेवा, भक्ति निरंतर मैं बलिहारी, दादू न जाने सेवा तुम्हारी। भक्ति निरंतर मैं बलिहारी, दादू न जाने सेवा तुम्हारी।